गुड मॉर्निंग साथियों, आज का हमारा विषय यूट्यूब शॉर्ट्स नाम का कोई यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कमेंट किया है कि सर एनसीआर के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए। मेरे खिलाफ 323, 504 और 506 में एनसीआर दर्ज हुई है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में जानना चाहा है उन्होंने एनसीआर के बारे में। तो देखिए, इस विषय पर हम चर्चा करें इससे पहले मैं आपका इस चैनल पर स्वागत भी करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन होगा आपसे कि आप इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक ऑफेंस के बारे में। ऑफेंस मतलब एक अपराध। दो तरीके के अपराध होते हैं, जो सीआरपीसी होती है जो कि डील करती है इन मामलों को, क्रिमिनल मामलों में प्रोसीजर बताती है, प्रक्रिया बताती है। उसके तहत दो तरीके के ऑफेंस हैं, कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय प्रकृति के और नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय प्रकृति के। अब अगर कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, जिसे गंभीर प्रकृति का अपराध आप मान सकते हैं साधारण शब्दों में, तो उसमें क्या हो सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है, वह केवल व केवल संज्ञेय प्रकृति के अपराध में ही दर्ज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। और पुलिस स्टेशन का बारसादक अधिकारी आपको संज्ञेय प्रकृति का अपराध है तो ही एफआईआर दर्ज करके देगा, अदरवाइज मना कर देगा। अब बात यह आती है कि अपराध तो दो कैटेगरी के जाने हमने, संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब जब कोई अपराध इस कैटेगरी का है जो नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसी दशा में जो पुलिस के समक्ष जाता है आहत व्यक्ति, विक्टिम जिसे आहत व्यक्ति कहते हैं, पीड़ित व्यक्ति कहते हैं, तो ऐसी दशा में पुलिस उसकी रिपोर्ट को लिखती है, एक रोजनामचा होता है पुलिस के पास, उस पर वो रिपोर्ट को भी लिख लेगी, लेकिन उसे कहते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी असंज्ञेय अपराध के मामलों में जो रिपोर्ट दी जाती है, सूचना दी जाती है, उसे एनसीआर कहा जाता है साधारण शब्दों में। यानी कोई साधारण मामले होते हैं जो पुलिस के समक्ष जाते हैं उनमें एनसीआर पुलिस दर्ज करती है। अब पर्टिकुलर यहाँ तीन सेक्शन आपने बताए थे, 323, 504 और 506, तीनों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के सेक्शंस हैं, तो ऐसी दशा में पुलिस इसमें क्या नहीं कर सकती थी, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी। आपने पूछा कि मेरे खिलाफ दर्ज हुए तो अब क्या होगा। अब आप चाहे परिवादी हो, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जानकारी देने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और अगर आप विक्टिम हैं तो भी आपके, सॉरी आप एक्यूज हैं तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। अब देखिए, एनसीआर पुलिस ने दर्ज की, यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध के संबंध में पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसे क्या कर ली, दर्ज कर ली, अपने रोजनामचे में लिख लिया कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई। अब पुलिस की ड्यूटी क्या होती है, पुलिस संबंधी जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें उस संबंध में सूचना दे, सूचना भेज देंगे, आपको भी ये कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, इस मामले में हम कार्रवाई नहीं कर सकते, आप कोर्ट में चले जाए, मजिस्ट्रेट के समक्ष चले जाए। 155 सीआरपीसी का एक सेक्शन है, उसकी प्रक्रिया को पुलिस फॉलो करेगी। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो उस सेक्शन को आप रीड कर लेना। पुलिस इसमें तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती तब तक वो कोर्ट, जो कंसर्न कोर्ट है उस पुलिस स्टेशन का, वो उसे इजाजत नहीं देता उस मामले में। पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। एनसीआर में पुलिस मुखदर्शक बने हुए केवल देखती रहेगी, लिख भी लेगी उसे रिपोर्ट को, और कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस बात को आप नोट कर ले। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि 151 में पाबंद कर देते हैं, 107-16 में पाबंद करवाने के लिए तहसीलदार को लिख देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती पुलिस एनसीआर में, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में। संज्ञेय प्रकृति का अपराध नहीं है, मजिस्ट्रेट उसे इजाजत दे देता है तो ऐसी दशा में कर सकती है। लेकिन पुलिस एक चीज और कर सकती है, पुलिस परिवाद पेश कर सकती है कि साहब हमें एक ऐसी ऐसी इतला मिली है, उस इतला के आधार पर हम आपके समक्ष क्या कर रहे हैं, परिवाद पेश कर रहे हैं, हमने इस मामले में ये पाया है कि ये व्यक्ति दोषी भी है, इस व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है, संभावना है कि उसके द्वारा भविष्य में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए, तो 107-16 में जो भी अपने मजिस्ट्रेट होते हैं एग्जीक्यूटिव, उनके साथ परिवाद चला जाता है उनके पास, और फिर जो भी अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष भी परिवाद पेश कर सकती है। सीआरपीसी का सेक्शन 2D आपने देखा होगा, उसमें पुलिस परिवाद पेश करे उस संबंध में बताया गया है। तो पुलिस क्या कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल जो रिपोर्ट होती है उसको लिखने के बाद केवल व केवल कंप्लेंट यानी परिवाद दर्ज कर सकती है, और उस समय पुलिस शिकायतकर्ता बनकर वह परिवाद पेश कर सकती है। इसके अलावा पुलिस भी आपका कुछ भी नहीं कर सकती नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की दशा में। कोर्ट क्या कर सकता है, क्योंकि पुलिस के बारे में तो आपको बता दिया मैंने,
कोर्ट ऐसी दशा में आपके खिलाफ अगर कोर्ट में परिवाद जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो कोर्ट वो सारी प्रक्रिया को अपना सकता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में अपनाती है। यानी कि कोर्ट आपको समन भी करेगा, कोर्ट आपको बुलाएगा भी, आप नहीं जाओगे तो आपके खिलाफ वारंट भी इश्यू करेगा और फिर आपको बुलाएगा। अगर कोर्ट को प्रतीत होता है आपने ऐसा ऑफेंस किया है तो कोर्ट उसमें ट्रायल करने के बाद में आपको सजा भी सुनाएगा, चाहे वो सजा जुर्माने के रूप में हो या कारावास के रूप में, वो एक अलग बात है, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन कोर्ट ये प्रक्रिया अपना सकता है अगर कोर्ट के समक्ष कोई व्यक्ति परिवाद पेश करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की दशा में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना होगा कि NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जो कि असंज्ञेय प्रकृति के यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जब मामले आते हैं उनमें दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा, रोजनामचे में रिपोर्ट लिखी जाती है, उसे ही कहा जाता है, और उस पर पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती तब तक जब तक मजिस्ट्रेट उन्हें क्या नहीं दे दे, इजाजत नहीं दे देता हो, और मजिस्ट्रेट अमूमन उन्हें इजाजत नहीं देता है उस मामले में जब उनके पास NCR लिखी जाती है। वो केवल पर केवल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।